आज जश्न मनाए जाएंगे तेरा सो जाएंगे तेरा सोनिए बर्थडे सदलियां सारिया हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। गाइस, अगर आप हमसे किसी भी टाइप की एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो ये बनाना सीखना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आप ऐसी वीडियो बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए गाइस आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको जल्द से इंस्टॉल कर लीजिए एंड उसके बाद ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे प्लस आइकन पे जाके आपको नया प्रोजेक्ट लेना है 16:9 रेशियो का। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको मीडिया में जाना है और यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो मीडिया में जाते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक वाला। फिर कन्फर्म कर देना है यहाँ से। उसके बाद इसको सिंपली जो है आगे की ओर थोड़ा सा बस बड़ा कर लेना है, 30 सेकेंड तक कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर लेयर में जाना है और एक टेम्पलेट ऐड करनी है। उस टेम्पलेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और वो टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। टेम्पलेट ऐड होने के बाद गाइज आपको यहां पर इसको जो है फुल स्क्रीन करना है, तो यहां पर क्लिक कीजिए स्प्लिट स्क्रीन पर और इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। फिर कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको इसको क्रोमा करना है, तो इस टेम्पलेट वाले लेयर पर क्लिक कीजिए, फिर क्रोमा की पर जाइए, यहाँ से इनेबल कर दीजिए इसको, और इसको ऊपर वाला जो है उसको 34 कर दीजिए और नीचे वाले को 62 कर दीजिए। फिर यहाँ से कंफर्म कर देना है आपको। फिर गाइज आपको यहाँ पे फोटोज सेट करने हैं, तो जहाँ तक टेम्पलेट की लेंथ है ऊपर वाला जो ब्लैक स्क्रीन वाला बैकग्राउंड था उसको भी वहाँ तक ही कट कर लीजिए। ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर लेना है, यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना है। फिर उसके बाद चलिए फोटोज ऐड कर लेते हैं। जो भी फोटो आपको लगाना है जल्दी से आप ऐड कीजिए इसमें। तो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और फोटो ऐड करने हैं। ओके गाइज, तो फोटो यहाँ पे देख सकते हो आप। पहला फोटो ऐड होने के बाद आपको बस यहाँ पे फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसको सेंड टू बैक कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है जहाँ पर ये हमारा फ्रेम जो है एंड होता है वहाँ पर बस एंड पर आना है एंड फोटो को जो है बस फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छे से जूम कर लेना है ताकि इसमें सेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद गाइज आपको यहाँ से जो है बस फोटो को कट कर लेनी है जहाँ पर हमारा फ्रेम एंड होता है, फोटो पे क्लिक करना है, कट पे जाना है यहाँ से और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर लेना है। फिर यहाँ से नई फोटो ऐड करनी है आपको। तो इसी तरीके से आपको ये सारे फ्रेम जो है ओपन हो रहे हैं, फिर से एंड हो रहे हैं। इसमें सारे फ्रेम में आप अलग अलग फोटोज़ ऐड कर लीजिए जल्दी से। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके गाइस, तो सारे फोटोज़ ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक और फोटो ऐड करना है, ये कैलेंडर वाला जो फ्रेम है उसमें। तो आपको फिर से स्टार्टिंग में आ जानी है, लेयर में जाके मीडिया में जाके फिर से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको कैलेंडर में लगाना है। ओके, तो फोटो ऐड होने के बाद आपको फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रॉप पे जाना है और इसको बस स्क्वायर शेप में क्रॉप कर लेनी है। उसके बाद कंफर्म कर देना है यहाँ से, फिर इसको भी यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देनी है एंड इसको भी जो है यहाँ पे फ्रेम में आके अच्छे से सेट कर देना है। जैसे जूम करके आप इसको सेट कर लीजिए, उसके बाद कन्फर्म कर दीजिए। फिर इसको भी गाइज आपको बड़ा करके इसका लेयर जो है इसकी लेंथ जो है 30 सेकेंड कर दीजिए। फिर यहाँ पे गाइज हमें जो है डेट और मंथ लिखना है, तो आपका जो भी मंथ है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जून मंथ में बर्थडे जो है वो लिख देता हूँ, तो जून डाल दिया। और यहाँ से शैडो जो है इसको ऑफ कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए इसको। फिर बस इसको जो है यहाँ ला के छोटा करके यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, इसको भी लास्ट तक स्ट्रेच कर दीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें डेट जो है उसको मार्क करना है, तो लेयर पे जाते हैं, यहाँ से हैंड राइटिंग पे जाते हैं और यहाँ पर जो है आपको ये सर्कल वाला रिंग वाला जो है ये सेलेक्ट करना है। यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसकी ब्रश की जो साइज है वो यहाँ पर 4th लास्ट वाला कर लीजिएगा, कंफर्म करना है। उसके बाद बस आपको यहाँ पर जो है ड्रॉ कर देनी है, सर्कल ड्रॉ हो गया है, यहाँ से कन्फर्म कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको बस छोटा कर लीजिए, जिस भी डेट को बर्थडे है आप उसको बस उस पर ये रिंग जो है वहाँ पे ले जाके फिट कर दीजिए। फिर इसको भी स्क्रीन के लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक स्ट्रेच कर दीजिए। गाइज ये जो हमने अभी जो ड्रॉ किया था रिंग, इसको बस स्टार्टिंग से जो थोड़ा सा पार्ट इसका कट कर लेना है क्योंकि फ्रेम जो है लेट से खुलता है, यहाँ से कट कर लीजिए।
और इसका जो इन एनिमेशन है, इन एनिमेशन इसका फेड लगा दीजिए। ओके ओके गाइज, तो इसके बाद हमें यहाँ पर नेम लिखना है। फिर से स्टार्टिंग में आइए, टेक्स्ट में जाइए और जो भी नेम है आप वो लिख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट में जाइए और फॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से ये मोली रेगुलर वाला जो फॉन्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर कन्फर्म कर देना है, इसको भी वीडियो के लास्ट तक स्ट्रेच कर दीजिए। एंड बस ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का कलर जो है आपको यहाँ से स्काई ब्लू कर देनी है। तो इसको ला के यहाँ पे बस इस फ्रेम में फिट कर दीजिए। और इसमें भी जो है इन एनिमेशन फेड लगा दीजिए। ओके, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो है दो टेम्पलेट और ऐड करने होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कौन से। पहले लेयर में जाना है आपको, उस सारी टेम्पलेट की लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और वहाँ से वो टेम्पलेट जो है ऐड कर लेते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपको ये कलर वाला टेम्पलेट जो है ये ऐड करना है। फिर इसको यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन में जाके फुल स्क्रीन कर लेनी है। फिर कन्फर्म करना है और इसको जो है ब्लेंडिंग पे जाके यहाँ से आपको स्क्रीन कर देनी है। देन गाइज इसका ओपेसिटी जो है हमें थोड़ा कम करना होगा। यहाँ से उस लेयर पे क्लिक करते हैं, फिर अल्फा ओपेसिटी पे जाना है और अल्फा ओपेसिटी जो है यहाँ से आपको कम कर लेनी है 69। फिर कन्फर्म कर देना है, तो लास्ट तक हो गया ये भी। उसके बाद गाइज आपको फिर से एक और टेम्पलेट ऐड करनी है, तो फिर से यहाँ पे लेयर में जाते हैं और मीडिया में जाके वो टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। ओके गाइज, ये ऐड होने के बाद इसको भी यहाँ से जो है स्प्लिट स्क्रीन पे जाके फुल स्क्रीन कर लेना है। एंड देन फिर आपको यहाँ से क्रोमा की करना है इसको, तो क्रोमा पे जाके इसको इनेबल कर देनी है और यहाँ से बस थोड़ा सा जो है ये नीचे वाला जो है इसको बढ़ा दीजिए और ऊपर वाले को थोड़ा सा घटा लीजिए। फिर कन्फर्म कर दीजिए यहाँ से। ओके गाइज, तो बस यही सिंपल सा प्रोसीजर था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का। इसके बाद आपको बस यहाँ से शेयर पे जाना है और जो भी रिलेशन आपको सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, फिर आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी वीडियो। एंड अगर आपको सॉन्ग चेंज करना है तो टेम्पलेट को म्यूट करके दूसरा सॉन्ग आप ऐड कर सकते हो, वहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन अवेलेबल है। तो गाइज आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, वहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आपको चाहिए तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मत करना गाइज क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं नहीं रहता हूँ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।